हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम बैठे हुए हैं ह्यूंडई एल्काज़ार के अंदर। आज इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। मेन बात आती है इसका, तो डीजल इंजन है, वही क्रेटा में आ रहा है, वही सेल्टोस में आ रहा है, वही i20 में आ रहा है, वही सोनेट में आ रहा है, वही लांट्रा में आ रहा है। तो एल्काज़ार जैसी इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से कितना सही है वो इंजन। आज पूरे के पूरे हम 6 बंदों को बिठा के वो चीज़ टेस्ट करने वाले हैं। ये 4 बंदे हैं, बैठ जाओ भाई, अपने अपनी जगह ले लो। ये प्रॉपर 6 सीटर कार है, तो उस हिसाब से देखते हैं भाई, अगर 6 बंदे टोटल हम कार में बैठ के कहीं चलते हैं तो क्या ये इंजन 1.5 लीटर का अंडर पावर्ड महसूस होता है 1% भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो थोड़े हल्के लोग हैं वो थोड़े पीछे बैठ जाना, इसमें बैठना कैसा है, शर्म आ रही है थोड़े लोग। अरे बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत ना है, बैठ जाओ। तो पूरे 6 लोग हैं भाई इस कार के अंदर, प्लस कम्फर्ट के बारे में भी लोगों से बात करेंगे। हाँ, कम्फर्टेबल। और पीछे वाले वैसा नहीं है भाई, स्टैंड आउट भाई। ये आगे कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इधर, तो नहीं है पीछे कर रखी है ना, आगे कर दे तो। ये, 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 थोड़े मेरे ख्याल से ये साइड से कर लेना थोड़ी। और हम चला रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक। मतलब मेन बात ये है ना, जब i20 में भी सेम इंजन आ रहा हो और एल्काज़ार में भी सेम इंजन आ रहा हो तो डिफरेंस नजर आता है। अब आप ये कहोगे कि i20 में तो पावर कम है, तो वो बिल्कुल सही बात है। 100 bhp उसमें आती है भाई, इसमें पूरी प्रॉपर 115 bhp मिलती है अपने को। अच्छा, वैसे ही क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, बस थोड़ा इसका व्हील बेस 150 mm के लगभग बढ़ा दिया गया है, 2 सीट्स एक्स्ट्रा डाल दी हैं भाई। इस ह्यूंडई एल्काज़ार जिसको हम चला रहे हैं, इसका टॉप वेरिएंट है जो है सिग्नेचर ऑप्शनल, 6 सीटर वाला है ये, तो ओ इसलिए आता है। अगर आप नॉर्मल लेंगे तो उसमें ओ वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अब चलाते हैं भाई, अभी तक तो यार मेरे को ये लग नहीं रही है कुछ की मतलब अंडर पावर्ड हो या ऐसा कुछ। पेट्रोल होती तो बिल्कुल लग जाता, लेकिन डीजल का एक यही सुख है कि आप कितने बंदे बिठा लो आपको डिफरेंस पता नहीं लगता है। जैसा भाई इसकी जो ही नीडल्स है, मतलब डिजिटली इतना सही इन्होंने एक्यूरेट कर रखा है। ये तो है डीजल इंजन जो ह्यूंडई के हैं उनमें रिफाइनमेंट बहुत है, और वो चीज़ इसमें भी है पूरी पूरी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई वाइब्रेशन हो या कुछ हो। और 6 लोग जिस तरीके से हम बैठे हैं, तो जैसे मैं इस गाड़ी में जो डीजल इंजन आ रहा है, मैं उसी कार का एक को चलाता हूँ सेल्टोस को, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम 6 बंदे इस कार के अंदर बैठे हुए हैं। प्लस अगर इस कार को आप स्मूथली चलाएंगे ना, आपकी ये इंटेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को ये गाड़ी खींचनी है, तो फिर वो आवाज़ वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। जो एक बार मैं क्रेटा साइड डिस्कस कर रहा था कि जो इसका टॉर्क कन्वर्टर है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ये सब तो चलो भाई वैसी बात होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में कार कैसे, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा भगा के देखते हैं। क्योंकि इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं ना, वो भाई 170 bhp निकालती है और ये 115, तो फर्क देख लो आप कितना है। तो 22,60,000 रुपये इस गाड़ी पे स्पेंड करना कितना सही है वो भी पता लगा दे थोड़ा सा। आप हाइयर आप ये सोच के साथ चलोगे कि मेरे को गाड़ी खींचनी है तो ये आवाज़ करेगी भाई 100%। इसका जो अभी ये ड्राइव मोड पर जिस पे चल रही है कम्फर्ट, ठीक है भाई, इको वाला नहीं है तो नॉर्मल पे भी हम चला के देख रहे हैं उस पर क्या हिसाब रहता है इसका। तो जैसे देखो थोड़ा सा अगर हम पुश कर रहे हैं इस कार को, थोड़ा चाहते हैं कि एकदम आगे, तो वही आवाज़ करने लग जाती है, थोड़ी पावर डिलीवरी इसकी लेट है। अच्छा, एक चीज़ की मेन देखना भाई, इसकी MID, जैसे यहाँ पे मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे पूरा कैमरा व्यू आ गया बना हुआ कि मेरी राइट में कौन आ रहा है। तो मेरे को इन वाले शीशों में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के पूरा देख सकता हूँ कि मेरे को यहाँ से गाड़ी काटनी है या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैमरा ना रोड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, थोड़ा हल्का सा ऊपर प्लेस करना चाहिए था ह्यूंडई को। अरे निकल जा भाई, नहीं ले रहे हम तो टेस्ट कर रहे हैं यही है ना, इंडिकेटर दे देते तो लोग को लगता है कि हमारी लेन में ना आ जाए कभी। और मैं अगर लेफ्ट का दूंगा तो लेफ्ट वाला चल जाएगा, ये देखिए लेफ्ट वाले डायल में आ गया। और स्पीड का ऐसे कहोगे कि स्पीड छिप गई, वो नहीं है, स्पीड में ऊपर बनी आ जाती है। तो स्मार्टली, बहुत स्मार्टली MID बनाई गई है भाई। देखो 22,65,000 रुपए में आपको एक कार, जब आप इसको हाईवे पे लेके चलोगे तो टाटा हैरियर सफारी जैसा एकदम पुश नहीं देगी, क्योंकि उनका बड़ा इंजन मिलता है। इनिशियली गियर्स पे आपको वो चीज़ महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप हायर RPM उस पे हाईवे पे रहोगे हाई स्पीड पे, तो उन वो इंजन ऐसा लगता है कि एकदम से आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये जैसा कि इंजन क्रेटा वगैरह में भी आ रहा है, तो थोड़ा सा है तो सही यार। मतलब जैसे 2 लीटर का इसमें वो दे दिया उन्होंने पेट्रोल इंजन, तो 2 लीटर का डीजल इंजन उनको करना चाहिए था। अब एक बात नॉर्मल आप बताओ, अगर सेम चीज़ देनी होती तो इसमें तो वो 1.5 पेट्रोल वाला दे सकते थे ना, जो क्रेटा में आ रहा है। अंडर पावर्ड हो जाता वो ज़्यादा,
तो ये भी उनको ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये भी थोड़ा अंडर पावर्ड हो सकता है। टॉर्क बढ़ा दी कहीं 250 NM का ये तो टॉर्क है, ये तो सेम इंजन है जो अपना क्रेटा में भी आ रहा है। पर हमारी एक्सपेक्टेशन पता क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये 2 सीट एक्स्ट्रा लग गई ना इस वजह से, बाकी कोई प्लेटफॉर्म वगैरह तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वही है बिल्कुल ही। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से सोचे कि भाई वही थोड़ा बहुत अगर क्रेटा का टॉप मॉडल में मिला के 1.5-2 लाख रुपए मिला के एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए डाल दें हम उसी का एक वेरिएंट इसको मान ले, तो फिर किसको फर्क पड़ रहा है किसी को पता भी नहीं लगेगा। वो ये मस्त इंजन है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनके लिए जिनको स्मूथ ड्राइव चाहिए, एकदम स्मूथ ड्राइव, ऐसा भगाने वाली नहीं है, जो भगाओगे तो फिर वो आवाज़ करता है ट्रांसमिशन, तो वो बेकार लगती है वो चीज़। पर वो चीज़ रिजोल्व हो सकती है आपके, आप बॉस के म्यूजिक सिस्टम चला लो, वो चीज़ आपको फील ही नहीं होगी बिल्कुल ही। वैसे भाई जैसे हम एल्काज़ार को रोड पे लेके चल रहे हैं ना अभी, तो एक फीलिंग ये भी अच्छी रहती है कि हम एक यूनिक नई गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन रहता है ना वो भी मस्त रहता है। लोग देखते हैं कि अरे कौन सी गाड़ी आ गई, नहीं आगे से तो लगती क्रेटा, पीछे से थोड़ी डिफरेंस ही डिफरेंट ही लगती है, पूरी पूरी बदल दी पीछे से तो एल्काज़ार। ये देखो हाँ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, अगर मैनुअल होती ना तो फिर फर्क पता नहीं चलता इसका बिल्कुल भी, अगर मैनुअल होती तो। देखो ऑटोमेटिक में सोचती है पहले कौन सा गियर चेंज करूं या क्या करूं, और इसका थोड़ा येलो कलर में रिड्यूस स्पीड दे रखा है माइडी में, जिससे अपनी एकदम ड्राइवर की नज़र उसके अंदर जाती है वो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, ये भी एक सही चीज़ है। अब थोड़ा भी पंजा हल्का सा टाइट दबाते हैं तो 3,000 RPM तक जाता ही जाता है इसका। ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको अपने पंजे का ख्याल रखना पड़ता है, ये दिक्कत है। आपने हल्का सा भी उस पर वेट रख दिया गाड़ी शोर करेगी। तो व्यू वगैरह सही है, बोनट पूरा नज़र आता है, अपना जो विंडशील्ड की विजिबिलिटी है पूरी अच्छी बढ़िया है यार। ऑटोमेटिक का ये बहुत बढ़िया फायदा, जैसे ट्रैफिक में चल रहे हैं ना तो कोई झंझट नहीं क्लच वगैरह की, अपना गियर शिफ्टिंग की कोई टेंशन नहीं, क्लच दबा दबा के आदमी परेशान हो जाए। अब इसमें कितनी लॉन्ग ड्राइव कर लो, कम से कम अपना जो लेफ्ट लेग है इसको बेचारे को दिक्कत तो नहीं होती कुछ यार। वो वाली फील नहीं आ रही कि गाड़ी पे मतलब जो मैंने 22.5 लाख रुपए डाले हो तो उस हिसाब से मेरे को परफॉर्मेंस मिले। पेल नहीं है तो स्पोर्ट्स मोड पे कर सकते हो, उसके लिए उसी पे आएगी, नॉर्मली तो नहीं आएगी वो, तो 115 नंबर्स में ही पता लग रहा है वो तो। पेल नहीं क्यों है गाड़ी को, मतलब स्मूथ ड्राइविंग के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है तो ठीक है। मतलब अगर इसने एक बार गियर चेंज कर दिया ना फिर तो भागती है एकदम से, पर वही जब गियर चेंज वाला टाइम रहता है ना 2 सेकंड का, उसमें ही तो मेन दिक्कत है। स्टेयरिंग वगैरह काफ़ी सही है इसमें, भी पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं तो अगर आप चाहो तो पेडल शिफ्टर्स का भी उपयोग कर सकते हो। स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं, आप काफ़ी टाइम हो गया, तो ये स्पोर्ट मोड है इसका। एनिमेशन आप देख सकते हो कितना मस्त बनाता है, और स्पोर्ट मोड में तो अलग ही पावर आ जाती है इस कार में। अच्छा एक चीज़ भाई डिफरेंस ये भी लग रहा है, क्यों मैं बताता हूँ क्यों लगता है। देखो सिंपल सी बात है, आप एक सोचो आप क्रेटा का SX वेरिएंट तक लेते हो तो उसमें ड्राइव मोड से नहीं आते, तो जब गाड़ी जो पावर डिलीवर करती है वो पूरी 115 bhp करती है 1,600 RPM पे जो है 4,000, ठीक है। अभी इन गाड़ियों का क्या है कि जब कंफर्ट मोड या फिर ड्राइव मोड पे आप स्पोर्ट वगैरह लगा रहेगा तो उसी हिसाब से जो इंजन की ट्यूनिंग है वो करी गई है कि इस मोड पे इतनी पावर डिलीवरी करेगी है, तो ये भी फर्क पड़ता है। अभी जो टॉप मॉडल वाले जो ओनर्स होते हैं वो कंफर्ट मोड पे चलाते हैं कार को ज़्यादातर, जिससे पावर उनको थोड़ी कम लगती है। अब जैसे हम लोग हैं बेस वेरिएंट चला रहे हैं तो उसमें कोई ड्राइव मोड नहीं है तो अपना ऑटोमेटिकली स्पोर्ट मोड में एक तरीके से वो लगी रहती है कार, तो यही है। मतलब आप भाई जैसे ओनर आप स्पोर्ट मोड में क्यों नहीं चलाते इसको, नॉर्मली पूरी पावर लो ना गाड़ी से। हाईवे पे स्पोर्ट पे चलाता हूँ, जैसे जब ओवरटेक करना हो या ज़्यादा तेज चलाना हो, 100 से ऊपर चलानी हो तो स्पोर्ट्स मोड पे। अरे स्पोर्ट मोड में भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आपने जैसे बात नोटिस करी हो तो, अगर मैं इसमें हल्का ही पंजा दबा रहा हूं RPM ज़्यादा जा रहा है तो ज़्यादा शोर कर रही है, नहीं 2,000 रुपये भी ज़्यादा ही शोर कर रही है नॉर्मल से, तो वो इसका ट्रांसमिशन है भाई, इसका ट्रांसमिशन में दिक्कत तो है ही। मतलब मैनुअल वाले को समझ नहीं आएगा ये चीज़, ऑटोमेटिक वाला तो भाई परेशान नहीं होगा। वैसे सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है यार, जैसे 18 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं ना, तो मतलब ऊँची ऊँची फील होती है इवन क्रेटा से भी। स्पोर्ट मोड में देखते हैं भाई, स्पोर्ट मोड में जा रहा है 4,000 RPM तक, 4,000 के बाद गियर कर रहा है, चेंज कर रहा है ये।
ब्रेक्स बढ़िया है चारों डिस्क हैं इसके अंदर। मतलब यार स्टेयरिंग का फीडबैक वगैरह अपना सही है सारा इसका सिस्टम। थोड़ी लंबी कार है तो उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्पेस सा भी मांगती है। स्पोर्ट में भी नहीं आ रहा मज़ा, मैं इसको उसमें कर लेता हूँ कंफर्ट में। कंफर्ट में अभी नॉर्मल कंफर्ट में इसके जो डायल्स हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं नॉर्मल। यही है भाई, अगर स्मूथ ड्राइव करनी है ना, ज़्यादा खींचने वाले बंदे नहीं हो आप तो बढ़िया है। अगर खींचनी है तो इंजन में कमी नहीं बता रहा मैं, इंजन में आप मैनुअल ले लो। मैनुअल ले लोगे ना आपको अलग ही लेवल का स्वाद मिलेगा इस गाड़ी में। लेकिन दिक्कत ट्रांसमिशन के साथ है भाई इन लोगों की तरफ। आप लोग बता दो मतलब वो थर्ड रो वाले मेन तो कैसा कंफर्ट लग रहा है, जैसे काफी टाइम से आप बैठे हुए हो, कितना और चल सकते हो आप, कितनी देर गाड़ी में? ज्यादा देर नहीं। मैं ये भाई तो सही बैठे, मैं सही नहीं बैठा। क्यों? वो भी ये सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे सीट एडजस्टेड नहीं है वो सीट, वो पीछे की तरफ ज्यादा जा रखी है। मतलब जो आप दो लोग बैठे हो, आप दो भाई बीच वाले, मतलब फुल कंफर्टेबल हो ना? फुल कंफर्टेबल। ये मतलब कंफर्ट बहुत है भाई इस गाड़ी के अंदर। जो फ्रंट की चार सीट्स हैं उनमें आपको बहुत तगड़ा वो मिलता है। और एक चीज़ और देखा का, यहाँ से अगर तेरे को अपना आईपैड वगैरह यूज़ करना है ना तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट कैंडिडेट दिया तो यहाँ पे कैमरा बना गया। तो यार ये चीज़ बहुत प्यारी लगी है। मतलब सेल्टोस में भी आता है ये वाला फीचर, तो उसके बीच में MID में आती है, इस वाली MID में वो वाली चीज़। लेकिन इसके जो डायल में चीज़ देखे ना, बहुत बढ़िया बनाई है हुंडई ने। पर एक चीज़ दिक्कत ये है भाई, ये इंडिकेटर अगर आप बात करते हो ना, तो जो कैमरा है वो ठीक है, पर कैमरा की क्वालिटी जो हुंडई को लोएस्ट से लोएस्ट क्वालिटी मिल सकती थी वो वाली है। देखो ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए आप। मतलब क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, बस एक फीचर देना है ये वाला तो ऐसे करके दिया है। और उनको ये था कि मतलब कम से कम रिजोल्यूशन उसके रखे तो ज़्यादा क्लियरिटी आए, तो इसलिए इन्होंने डायल में वो कराया। अगर बीच में इसको दे दे तो इसके बहुत ज़्यादा पिक्सल्स फटते जो ये जो कैमरा है ना बीच में। ये चीज़ आप नोटिस करना अगर आप कभी पर्सनल इस कार को चलाओ तो। कैसा काम करता है ये कैमरा? बिल्कुल नियरेस्ट दिखता है, दूर का नहीं दिखता, हल्का सा ही पीछे नहीं दिखता। अच्छा। जैसे अभी तो काफी रोड दिख रही है, रात में कोई लाइट मारता हुआ तो नियरेस्ट दिखता है। अगर किसी के हाई बीम है तो फिर तो नजर नहीं आता होगा इस कैमरे में, बिल्कुल नीचे नीचे का दिखता है। और थोड़ा रोड की तरफ भी ज्यादा झुका हुआ है कैमरा। पर अगर जैसे आपका ये है ना, देखो मैं क्लियर कट बात बताता हूँ, अगर आपको ये है ना कि मेरे को एकदम इसको ओवरटेक करना है, तो पहले आप सोचोगे 2 सेकंड, फिर आपकी गाड़ी सोचेगी, तब आप जाओगे भाई। ऐसा इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है इस इंजन से अगर बात करते हो आप। और अगर आप बात करें सस्पेंशन वगैरह की तो बढ़िया एक नंबर सस्पेंशन है। तो फाइनल बात करते हैं भाई इस कार के बारे में। देखो भाई, जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, अगर आप अंडर पावर की बात करते हो तो जैसे 6 लोग हम बैठे हैं तो क्या ही बोलूं यार मैं। मतलब ऐसा नहीं एकदम, जैसे कई गाड़ियां होती हैं जिनको चला के एकदम खुश हो जाते हैं, तो वो वाला सीन इसके साथ नहीं मिला यार। तो जो हुंडई के एल्काज़ार है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन चला के देखेंगे वो कैसा है इसके हिसाब से। बाकी इसमें जितना ज़्यादा कोई खास मज़ा आया नहीं भाई इस इंजन में ना, 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन था। बाकी बेहतर ऑप्शन जो हैं इसके वो एक बार ट्राई करके देखें। जो मतलब एक प्राइस टैग जो होता है ना, उसके हिसाब से अगर आप सोचें इतनी मज़ेदार नहीं लगी यार ये गाड़ी। तो यही था भाई मेरी तरफ से तो हुंडई एल्काज़ार का एक छोटा सा ड्राइविंग अपना पूरा एक्सपीरियंस। मैं अगर आपकी जगह हूँ 22-30 लाख रुपए के बजट में, मैं नहीं जाऊँगा इस कार की तरफ। क्लियर कट बात ये है सिंपल सी। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।